बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चटपटे से मटर। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चटपटे मटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटर। मैंने यहाँ एक पाव लिया है, आप कितने भी ले सकते हैं, जितने आपने बनाने आप उतने ले लें। उसके बाद हम लेंगे ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर लेंगे। ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। और लेंगे एक चम्मच चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे काली मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हम लेंगे नमक और एक लीमू। तो बस यही चीज़ें जो हमें चटपटे मटर बनाने में मदद देंगी। तो अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हम तेल डाल लेंगे या घी डाल लेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो डाल लें। और मटरों को हम करेंगे फ्राई और डीप फ्राई करेंगे। तो आप इतना ऑयल लीजिएगा कि आपके मटर डीप फ्राई हो जाएं। अब हम अपने सारे मटर डाल देंगे और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे मटर फ्राई हो रहे हैं। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो जनाबे आला, हमारे मटर जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो मटर फ्राई होने के बाद हमने इन्हें निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे ज़ीरा जो हमने पीस लिया था, फिर हम डालेंगे चाट मसाला, फिर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, फिर हम डालेंगे काली मिर्चें और लास्ट में नमक। इन सबको डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर जो थोड़ा कच्चापन है वो दूर हो जाए। और रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर अपने मटर डाल देंगे। अपने हमने जो भी मटर फ्राई करे थे वो सारे मटर हम इसके अंदर डाल देंगे। और मटर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे ताकि हमारे मटर में मसाला लग जाए और वो चटपटे से बन जाए। तो बस ज़्यादा नहीं, हम इसको 5 मिनट और रोस्ट करेंगे तो हमारे मटर रेडी हो जाएंगे। तो मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब हम मटर डाल देंगे। तो मटर हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इस पर छिड़केंगे लीमू ताकि ये और भी चटपटे और मज़ेदार से हो जाए। लीमू डाल के फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से चटपटे से मटर। बहुत इजी और बहुत डिलीशियस रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।